नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो जी हां, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां मौजूद पुजारी हमें चरणा अमृत देते हैं, या फिर जब हम घर में कोई पूजा करते हैं तो चरणा अमृत का प्रसाद भगवान को भूख लगाकर लोगों में बांटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चरणा अमृत में मौजूद चीजें हमारी खराब सेहत को ठीक कर सकते हैं, हमारी दरिद्रता और दुख को भी दूर कर सकते हैं, साथ ही हमारी किस्मत भी सवार सकते हैं। तो चरणा अमृत के चमत्कार जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01206652411। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से ये जानेंगे कि आखिरकार चरणामृत बनता कैसे है और क्यों इसे अमृत का खजाना कहते हैं और क्या है चरणामृत के लाभ, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी, ये तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं लेकिन आज इसे खजाना क्यों कहते हैं, बनता कैसे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, देवी देवताओं को जब स्नान कराया जाता है तो उसको बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे चरणामृत कहा जाता है। इसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है, ये औषधि के समान है। जो व्यक्ति चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जल जब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं स्पर्श होता है। जैसे ही जल भगवान के चरणों से लगा या स्पर्श हुआ तब वह अमृत रूप होकर चरणामृत बन जाता है। आप जानते हैं भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था। भगीरथ के तपस्या के बाद उसी जल को गंगा के रूप में धरती पर अवतरण कराया था। वही भगवान विष्णु के चरण रज चरण के धोने से जो जल ब्रह्मदेव को प्राप्त हुआ था वही आज गंगा जी हैं। वो भी भगवान विष्णु की चरणोदक हैं गंगा जी। तो चरणामृत के संबंध में वामन पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है। जब विष्णु भगवान का वामन अवतार हुआ और वो राजा बलि को यज्ञशाला में दान लेने गए तब उन्होंने मात्र 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने ही कमंडल में सुरक्षित रख लिया। वह चरणामृत ही हमारी पवित्र गंगा जी बन गई जो आज भी सारे संसार के पापों को धो रही हैं। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भवबाधा से पार हो गया बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। आप अपने गुरु के चरण धोकर उस चरणामृत का अगर सेवन करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु का चरणोदक ग्रहण करने से, गुरु के चरणामृत को पान करने से निश्चित रूप से भवबाधा से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 चीजें होती हैं, एक तो जल से भगवान के विग्रह का चरण भगवान का धो करके वो जो मिलता है वो चरणामृत है, और एक होता है पंचामृत। पंचामृत जो होता है उसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, ये 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसमें
खास करके शालिग्राम की शिला जो होती है, जो सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में शालिग्राम की पूजा होती है, जो शालिग्राम की शिला गंडकी नदी में पाई जाती है, उस शिला को जब उस चरणामृत में डाल करके और उसको धोया जाता है तो संपूर्ण पंचामृत जो है वो एक प्रकार से दिव्य औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसका भी सेवन करने से व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।